तो सबसे पहले हम फोटोशॉप अपना ओपन कर लेते हैं, मोबाइल में ही देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है उसको मैं वीडियो में बता दूंगा लास्ट में, तो आइए वीडियो पूरी देखेंगे आप। तो हमें सबसे पहले अपना बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, तो हमें प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करें, क्या फोटो लाइब्रेरी में जाएं, उसके बाद अपना बैकग्राउंड ले लें। कहाँ जहाँ पे आपका होगा वो आपको पता होगा, बट मुझे पता है तो मैं पहले बैकग्राउंड ही क्लिक कर लेता हूँ, इसीलिए इसमें है। उसके बाद मेरे को पहला ये बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। तो हमें इसका कलर के बारे में कुछ भी चेंज करना है तो हमें ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, चेंज करके दिखा रहा हूँ अभी आपको, बस एग्जाम्पल के लिए। सॉरी, ये बैकग्राउंड इसको अंडू करना पड़ेगा, जैसे ये है कलर बैलेंस पे। ठीक है, क्लिक करते इसको देख सकते हैं, बहुत सारे बिल्कुल फोटोशॉप के। आप अगर आपने फोटोशॉप चलाएगा तो आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, ये है लीजिएगा। अब मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये देख लीजिए, इमेज साइज, ट्रांसफॉर्म, टैक्स, और भी बहुत सारे हैं, तो आप एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको मैं अपना फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ, बट इसमें सारा काम लेयर पे ही होता है, वो तो आपको पता होगा फोटोशॉप अगर यूज़ किया होगा तो। पर बहुत बढ़िया ऐप है और अदर से ऐप्सों से। तो प्लस वाले पे क्लिक करके फ़ोटो लेयर पे क्लिक करके फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएं और अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लें जिसको आपको यहाँ पे लगाना है। तो मुझे पता है कहाँ है मेरा, इसमें है, तो मैं देख ले जाऊँ, ये है फ़ोटो, तो इसको ऐड कर लिया। उसके बाद इसको मुझे नीचे थोड़ा सा रिमूव करना है, हल्का हल्का, तो इसको फ्लिप कर लेता हूँ पहले ही, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अभी नहीं, इसमें लेयर में यही फ़ायदा है। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पिलिप ये देख लीजिए, क्लोन हैंडिंग ब्रश, इसमें बहुत सारे, वो मैं आपको स्मूथ का भी ऑप्शन है बट बाद में बताऊँगा धीरे धीरे। रेजर, तो मुझे इस पर है रेजर वाला पहले से क्लिक है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ब्रश का साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे, जैसा हमें चाहिए होगा। थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का हल्का रिमूव करना है, थोड़ा मैच कराने के लिए। तो हम थोड़ा कम बड़ा छोटा बड़ा साइज़ जैसा भी हम एडजस्टमेंट करें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह इसको ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इस तरह। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, तो आप इसको देख लीजिए। और डाउनलोड कैसे करना है मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कैसे करना है, तो वीडियो पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ देख करें। तो इस ऐप्स का डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको इसमें बताऊँगा, यूज करने का तो बता ही रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से अभी तो मैं आपको समझाने के लिए फ़ोटो बना रहा हूँ कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फ़ोटो बनाऊँगा, उसकी PNG भी दूँगा, अच्छी भी लगेगी। जैसे अभी तो खाली समझाने के लिए ऐसे ही नॉर्मली फ़ोटो बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल हमारा बन गया। ठीक है, अब मुझे इसका दूसरी डुप्लीकेट इमेज चाहिए, इसको प्लस में जाके हम लेयर दूसरी ले सकते हैं। जैसे फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएं और दोबारा से फ़ोटो क्लिक कर लें। अब इसमें दिक्कत ही आ रही है, हम इसको छोटा कम बड़ा करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमें किसको कैसे सेट करना है, ठीक है, देख लीजिएगा। जैसे प्लस पे क्लिक करने के बाद इसको हमें सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, ये इतना। अब इसको हम कट कर देते हैं, सॉरी यहाँ से क्लियर कर देते हैं, सॉरी क्लियर कर दिया। अब ये हो गया अच्छा हमारा, देखो एक मिनट में पीछे का। अब इसको हम ब्रश की सहायता से थोड़ा सा मैच करा देते हैं, हल्का हल्का, जिससे हमें कि पता ना लगे कि सिलेक्शन करके ही काटा गया, बिल्कुल एक सा दिख रहा है इसमें वैसे भी। ठीक है, अब इसको हम सेट करते हैं, रहते हैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमको रखना है। थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, हल्का सा, ठीक है, अब क्लिक कर दूँ राइट। फिर हमको उसको कलर के बारे में कुछ बताना था, तो देख लीजिए बताता हूँ एक मिनट। कोई PNG और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट मुझे अभी कुछ नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसके वजह से, को कलर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे अभी उसको पीछे वाले को बैकग्राउंड को हम इसको जो पीछे लगाई थी पहली फ़ोटो उसको हमें ब्लैक एंड वाइट दिखाना है, तो हमें उस पर लेयर पर क्लिक, जैसे अभी इस लेयर पर हमने आए, उसके बाद इस पर क्लिक किया, सीधे इस पर किया क्या, अब ये ब्लैक एंड वाइट देखो, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हो गया,
और हमको अभी इसको ब्लैक एंड वाइट किया और इसको कुछ कलर कनेक्शन इसमें कुछ करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसी लेयर पर जाएं, उसके बाद इसको क्लिक करें, कलर बैलेंस जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उसको धीरे चेक कर लीजिएगा, जो बेटर लगे वो कर लीजिए। ये मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इनको इसको रख देता हूँ, ठीक है, आपको जैसा पसंद हो वो कर लीजिएगा। फिर इसको क्लिक हो गया, उसके बाद हमको तो टैक्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं टैक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट पहली बार में तो दिक्कत आएगी। अब मैंने टैक्स किया तो मेरा तो सेट हो गया, कभी कभी जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए गड़बड़ जो प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे हमें सेट करना है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, घूम जा रहा है, ये छोटा बड़ा हो जा रहा है, दिक्कत आ रही है ना। तो इसको करने के लिए सिंपल है एक तरीका और, जैसे अभी मैं इसको सेट मान लूँ, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसकी लेयर पे क्लिक कर रखा है, ठीक है, इसको क्या करना है, कट करना है यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दो, ये पूरे में आ जाएगा। अब इसको जहाँ जहाँ वहाँ सेट कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। तो अब इसकी लेयर ज़रूर बन गई होगी अलग, वो देख लेते हैं, ये देखिए एक ब्लैंक। तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, वो कोई भी मैटर नहीं करता, और इसको ऊपर रख लें और सारा काम। अब एक चीज़ और, वैसे ब्लैक एंड वाइट तुम्हें ऊपर या नीचे करना है, तो कैसे, इस पर क्लिक दबा के रखो इसको और ट्रैक नीचे कर दो, ये ऊपर आ जाएगा वो नीचे। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं छेड़ने वाला, तो मैं आपको बस एग्जाम्पल ये दिखा, लेयर को आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहें वैसे। तो इस वीडियो में आपको अगर पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फोटो कैसे सेव करना है तो बता देता हूँ। तो डन पे क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट यहाँ से करना है, तो सेव गैलरी क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको टिक करेंगे और जेपीजी पीएनजी वगैरह जिसमें चाहो उसमें ऐड करो, ओके कर दो, फोटो सेव हो जाएगा। तो आपको ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है मैं बता देता हूँ। वीडियो का जो पहला कमेंट होगा उसमें मैं लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके ही जाए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और उसमें डिटेल में आपको समझा दूंगा। ये मेरी पहली वीडियो, तो आई होप आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू गाइज़।